अरे बोलो ना हेलो दोस्तों, नमस्ते। वेलकम बैक टू माय चैनल मधु लाइफस्टाइल ब्लॉग। कैसे हो आप सब लोग? होप आप लोग सब अच्छे हो। और कल का ब्लॉग को जहाँ से मैंने स्टॉप किया था वहीं से मैं फिर से स्टार्ट कर दिए थी। तो हम लोग गए थे जौना फॉल और वहाँ पे करीब हम लोग 1 से 1.5 घंटा थे। तो हम लोग दोनों ही गए थे बोल के, ज़्यादा लेट नहीं हुआ। माँ और आरब नीचे ही थे, गाड़ी में ही थे, वो लोग को लेके नहीं गए थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सीढ़ी था। तो मैं सोची कि थक जाएंगे इसलिए वो लोग दोनों को लेके नहीं गए। और अभी हम लोग रास्ते में हैं और अभी आज जा रहे हैं गांव। तो ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, करीब 10-10:30 बज रहे हैं अभी। तो चलिए चलते हैं हमारे गाँव। फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं और यहाँ पे बन रहा है लंच। तो मामी यहाँ पे लंच बना रही है तो मैं सोची कि थोड़ा सा मैं भी हेल्प कर दूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है यहाँ पे, बहुत आप लोग पसीना देख ही सकते हैं और धूप भी काफ़ी ज़्यादा है। तो इस रूम में उतना ज़्यादा गर्मी नहीं लगता है लेकिन खाना वगैरह बन रहा है तो गर्मी लगता है। तो चलिए फटाफट से मैं पहले चेंज करती हूँ, उसके बाद फिर मैं आगे का आप लोग को दिखाती हूँ। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ मछली देसी स्टाइल में, देसी चूल्हे में। आप लोग देख सकते हैं इस तरह का चूल्हा अभी भी यहाँ पे चलता है। तो गैस से भी बनता है और इस चूल्हे से भी बनता है। ये चूल्हा एक्चुअली कॉमन है, यहाँ पे सबके घर में है और जंगल भी है आसपास में, तो लकड़ी का प्रॉब्लम नहीं होता है, लकड़ी आसानी से मिल जाता है यहाँ पे। तो आज मैं भी बना रही हूँ और बहुत मज़ा आ रहा है, गर्मी में तो और भी मज़ा आ रहा है खाना बनाने में। और रियली मछली अच्छा बना था, मैं सोची थी पता नहीं कैसा बनेगा कैसा नहीं, लेकिन काफ़ी टेस्टी बना था। और मेरा ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, मैं पहले कभी नहीं बनाई थी तो मैं पहली बार बना रही हूँ तो मुझे मज़ा आ रहा था। मैं मामी को साइड कर दी और बोली कि मुझे ही दीजिए बनाने के लिए। हेलो गाइज, तो अभी हो रहा है शाम का टाइम और शाम के टाइम में मैं थोड़ा सा निकली हूँ इधर पीछे के साइड में देखने के लिए और आप लोग को दिखाने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या है। तो ये जो येलो कलर का दिख रहा है यही है मामी लोग का घर, आगे साइड से है, मैं पीछे साइड का आप लोग को दिखा रही हूँ। और यहाँ पे एक ना गुआवा का पेड़ लगे हुए हैं, तो छोटे छोटे बहुत से अमरूद आए हुए हैं। तो मैं सोची कि बड़े हैं होंगे तो हम लोग तोड़ेंगे यहाँ पे, लेकिन बड़े मिले नहीं। और बचपन में हम लोग ऐसे ही करते हैं, जहाँ भी मिलता था इस तरह का पेड़ छोटा छोटा अमरूद का या फिर आम का, तो हम लोग लग जाते थे तोड़ने के लिए। और ये देखिए, ये छोटे छोटे अमरूद आए हुए हैं, अभी तक बड़े नहीं हुए हैं। और यहाँ पे ना बहुत सारे इस तरह के पेड़ लगे हुए हैं फल के, जैसे कि जामुन, कुसुम, पता नहीं कुसुम को क्या बोला जाता है, ऐसे हम लोग बंगाली में इसे कुसुम बोलते हैं। और आम के तो बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे की तरफ और ये जो आप लोग देख सकते हैं लकड़ी का इस तरह का एक गेट बना हुआ है, उसके बाद है ये हमारा बड़ा सा एक तालाब। और ये तालाब घर का ही है तो मामा लोग मछली वगैरह छोड़ते हैं और बहुत ज़्यादा मछली यहाँ पे रहती है, बहुत टाइप की मछलियाँ रहती हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग जैसे कि साल में यहाँ पे 2-3 बार पकड़ाता ही है, जैसे जैसे बड़ी होती है वैसे वैसे मछली को पकड़ लेते हैं। फिर तो गर्मी का मौसम की वजह से पानी बहुत ज़्यादा सूख गया है, वरना बहुत ऊपर तक पानी रहता है। और यहीं पे ना गांव का जो लोग सब है यही तालाब में ज़्यादातर नहाते हैं। और एक है पीछे साइड में एक नदी है, छोटी सी नदी है, वहाँ भी सब कोई जाते हैं नहाने के लिए। तो आप लोग देख सकते हैं आरब भी मेरे पीछे पीछे आ गया है और उसको भी पानी में उतरना है। तो बिना स्लीपर का आया है इसलिए वो उसको थोड़ा सा बार बार वो अपना पैर को चेक कर रहा है कि कुछ लगा तो नहीं है। और यहाँ पे आप हम लोग कभी कभी आते हैं तो अच्छा लगता है, आरब भी मस्ती करता है। ऐसे तो आरब जब से पैदा लिया है तब से वो एक आध बार ही आया है, कभी नहीं आया है, गांव ही गया था। तो यहाँ पे वो आई थिंक दूसरी टाइम में आ रहा है, तो ये खूब मस्ती करता है। यहाँ पे कुछ नया नया चीज़ इसको देखने मिलता है तो ये लगा रहता है उसी में। और पानी में उतर गया है और पानी से उतरने के बाद ये ना ऊपर आने का नाम नहीं ले रहा था, तो मैं बोल रही हूँ जा रही हूँ, तुम ही रहो पानी में, हम जा रहे हैं। तो वो बार बार हमको खींच रहा है कि नहीं तुम भी रहो, हम अकेले नहीं रहेंगे।
तो चलिए तालाब का सैर तो हो गया है, अभी हम लोग चलते हैं घर की तरफ और मैं आप लोग को दिखाती हूँ कुछ कुछ और। तो बहुत सारे ना आंगन में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, आम के, जामुन के, और कटहल का भी पेड़ है और अमरूद का भी है, मतलब फ्रूट्स का बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं छोटे छोटे। तो सीज़न बाई जैसे जैसे सीज़न होता है वैसे वैसे यहाँ पे फलते हैं, और यहाँ पे ज़्यादा महंगे भी नहीं हैं सब्जी वगैरह, जो भी आपको लेना है फ्रूट्स वगैरह बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। सब्जी तो बहुत कम, क्योंकि यहाँ अगल बगल ना बहुत कोई खेती करता है बोल के बहुत सस्ता मिलता है। और आसपास में काफ़ी बड़े बड़े जंगल है, चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है। कभी कभी तो रात के टाइम में हाथी भी आता है, जंगली हाथी, तो बहुत के घर भी ऐसे उजाड़ के चल जाता है। यहाँ पे जहाँ पे हम लोग खड़े हैं इस जगह से पार हो जाते हैं बहुत हाथी, और ये बहुत पुराना चीज़ है, काफ़ी टाइम से मैं सुनते आ रही हूँ। मतलब मामा लोग ऐसे फ़ोन वगैरह करते हैं तो बताते रहते हैं, तो कुछ इस तरह का होता है यहाँ पे। और ये जो आंगन आप लोग देख रहे हैं ये बहुत बड़ा है, यहाँ पे जैसे खेती बाड़ी होता है तो यहाँ पे धान वगैरह रखा जाता है, धान को इस जगह पे रख देते हैं और सारा प्रोसेस यहीं पे किया जाता है। तो चलिए चलते हैं अंदर की तरफ और मैं आप लोग को दिखाती हूँ, और बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये देखिए यहाँ पे एक ना इस तरह का एक हैन मुर्गी चिकन बैठी हुई है और बहुत सारा अंडा इसके अंदर है। ऐसे मैं आप लोग को दिखा नहीं पा रही हूँ क्योंकि ये उठ नहीं रही है, मैं कोशिश कर रही हूँ इसको उठाने का बट ये नहीं उठ रही है, तो ये मोबाइल को बार बार दे रही हूँ फिर भी नहीं उठ रहा है। अगर हुआ तो मैं लास्ट में आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी अगर मैं देख पाई तो। और शाम के टाइम में मामी बनाई है पकोड़ा, तो हम लोग खा रहे हैं शाम के टाइम में पकोड़ा। और कल ही हम लोग रिटर्न जाएंगे, और कोलकाता भी कल ही हम लोग का टिकट है जाने का रात का, तो कल हम लोग मॉर्निंग में यहाँ से निकल जाएंगे। तो बस हम लोग एक दिन के लिए आए थे, एक दिन का स्टे था हम लोग का यहाँ पे। पिंजरा तोड़ क्यों रहे हो तुम? और आज है नेक्स्ट डे मॉर्निंग और हम लोग रेडी हो गए हैं क्योंकि हम लोग अब निकलने वाले हैं। सुबह हो गई है, करीब 6:30 बज रहे हैं और अर्ली मॉर्निंग हम लोग निकलेंगे क्योंकि मैं पैकिंग वगैरह कुछ भी नहीं की हूँ, जाके मुझे पैकिंग भी करना है। और रात में हम लोग का ट्रेन है कोलकाता जाने का, तो हम लोग वही निकल रहे हैं और आरब भी रेडी है। तो 15 दिन के लिए हम लोग आए थे झारखंड और बहुत हमने मस्ती की, बहुत घूमा हमने, बहुत सारी जगह घूमा, मायके गई, मामा के यहाँ गई और ससुराल गई, तो काफ़ी अच्छा रहा हम लोग का ये ट्रिप कोलकाता से रांची का, तो बहुत इंजॉय किया। आरब ने भी काफ़ी इंजॉय किया और अभी वो इंजॉय कर रहा है फ्रूटी माजा पी रहा है। सुबह सुबह कुछ भी नहीं खाया था, घर से कुछ खा के नहीं निकला था, तो उसे माजा पीना था, तो उसको लिए हमने माजा लिया है रास्ते में रोक के, और थोड़ा सा बिस्किट वगैरह लिया था वो खा लिया है। और पहुंचने में अभी करीब हम लोग को 1.5 घंटा लगेगा रांची पहुंचने में, तो निकल गए हम लोग और ठंडी ठंडी हवा लेते हुए हम लोग निकले हैं। तो गाइज फाइनली हम लोग घर पहुंच गए हैं और आरब फ्रेश भी हो गया है और चल रहा है अभी मारपीट। तो आज का ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करूंगी, उम्मीद करूंगी आज का ब्लॉग आप सभी को पसंद आया होगा। ये तो